अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर हम पोस्ट में वर्डप्रेस की ऑटो डेट चेंज करना चाह रहे हैं कि जब टाइम जोन चेंज हो तो हमारी डेट डेली चेंज हो जाए, तो सबसे पहले प्लगइन सर्च करते हैं, ऐड न्यू में आ जाना है आपने। ये प्लगइन देख लें जी, AADMY, इसको एक्टिव कर लेना है आपने, ठीक है। एक्टिव करने के बाद पोस्ट में आ जाए हम, देखते हैं जी। तो पोस्ट न्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्लगइन की सेटिंग में आ जाए, ये सेटिंग में आ जाए, ये हमारे शॉर्टकट है, ठीक है। इसको अब हमने शॉर्ट कोड में यूज़ करना है, जैसे करंट ईयर है CY, PY, प्रीवियस ईयर, करंट डेट संडे डे आ गया, ठीक है। जैसे करंट डेट 5, हम सीड इसको कर लेते हैं कॉपी, इसको यूज़ करने का आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है। और आपने शॉर्ट कोड ले लेना है, फॉर एग्जांपल हमने इसको करना है हेडिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं जी H2, टैग कर देते हैं क्लोज। तो इसमें लिख देते हैं जैसे टू डे डॉलर प्राइस इन पाकिस्तान, ठीक है। हम चेक करते हैं ये कोड वर्क करता है कि नहीं। तो ये देखिए जी, इन पाकिस्तान आगे लिखा आ गया 5। अब हम इसको चेंज करते हैं जी, हमने डालनी है फुल डे, ठीक है, टू डे वाली, तो उसको कर लेते हैं कॉपी। इसकी जगह हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगेन चेक करते हैं, ठीक है। ये देखें जी, टुडे डॉलर प्राइस इन पाकिस्तान नवंबर 5 2023। इस तरह आप वर्डप्रेस में पोस्ट को ऑटो चेंज कर सकते हैं डेट को। और इस बात का आपने लाजमी ध्यान रखना है, सेटिंग में आ जाएं, जनरल में आ जाएं, कि आपका टाइम जोन कौन सा है, ये डेट भी उसी टाइम जोन के बाद अपडेट होगी। और इस प्लगइन का एक ड्रॉबैक भी है, ये 3 4 दिन बाद अगर आप रिफ्रेश ना करें वर्डप्रेस की वेबसाइट को या पोस्ट को, तो ये जो है ऑटो अपडेट नहीं करता, डेट अपडेट करना छोड़ देता है 3 4 दिन के बाद। अभी ये इतना बेनिफिट ये इफिशेंट तो नहीं है, तो लेकिन हमारी प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व कर देता है।